नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मैं एक लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि दो से अधिक बच्चे वालों की सुविधाओं में कटौती की जाए। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर किन किन सुविधाओं में कटौती की जाएगी। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किन किन सुविधाओं में कटौती होगी। लखनऊ से ये खबर है, हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, ऐसी सोच रखने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में जिंदगी की राह आसान होगी। जनसंख्या के लिहाज से देश की सर्वाधिक आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश में अब दो से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राज्य विधि आयोग ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। आयोग फिलहाल राजस्थान व मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियों व अन्य बिंदुओं का अध्ययन कर रहा है। जल्द वह अपना प्रतिवेदन तैयार करके राज्य सरकार को सौंप देगा। सूबे में बीते चार वर्षों में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम व उत्तर प्रदेश लोक व निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम समेत कई नए कानून लागू किए गए हैं, जबकि कई अहम कानूनों में बदलाव की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। इस कड़ी में विधि आयोग ने अब जनसंख्या नियंत्रण के बड़े मुद्दे पर अपना काम शुरू किया है। इसके तहत दो से अधिक बच्चों के अभिभावकों को सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित किए जाने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर अध्ययन होगा। खासकर सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सुविधाओं में कितनी कटौती की जाए, इस पर मंथन होगा। फिलहाल राशन व अन्य सब्सिडी में कटौती के विभिन्न पहलुओं पर विचार शुरू कर दिया गया है। सूबे में इस कानून के दायरे में अभिभावकों को किस समय सीमा के तहत लाया जाएगा, इसके लिए सरकारी सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरियों में क्या व्यवस्था होगी, ये कई बिंदु बहुत ही अहम होंगे। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन मित्तल का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर असम, राजस्थान व मध्य प्रदेश में लागू कानूनों का अध्ययन शुरू कर दिया गया है। बेरोजगारी व भुखमरी समेत अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर विभिन्न बिंदुओं पर विचार के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। अभी राज्य की कुछ नीतियों के लिए असम भी लागू करेगा दो बच्चा नीति। असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार कुछ विशेष सरकारी योजनाओं का लाभ देने में दो बच्चा नीति लागू करेगी। यह काम क्रमवार तरीके से किया जाएगा। संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि प्रस्तावित जनसंख्या कानून नियंत्रण नीति को असम की सभी योजनाओं में तुरंत लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई योजनाएं केंद्र की मदद से चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा, कुछ योजनाओं में हम दो बच्चा नीति को लागू नहीं कर सकते, जैसे स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त नामांकन और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने में इसे लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि राज्य सरकार की ओर से कोई आवास योजना लागू की जाती है तो उसमें दो बच्चा नीति को लागू किया जा सकता है। आगे चलकर धीरे धीरे जनसंख्या नीति को राज्य सरकार की हर योजना भी लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सोमवार से 10 दिनों तक प्रतिदिन 3 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य बनाया गया है। अगले एक सप्ताह तक कोई सरकारी काम नहीं होगा। 21 जून से 30 जून तक विस्तृत टीकाकरण अभियान चलेगा। 1 जुलाई से सरकारी दफ्तर सामान्य दिनों की भांति खुलेंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, अगर दो बच्चों की नीति लागू होती है तो काफ़ी लोगों को नुकसान भी होगा और काफ़ी लोगों को फायदा भी होगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं
पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।